हाय गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज़ देवेश रोशन पांडे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ। अभी घर से फिर अभी निकला हूँ मैं, और कोई मीटिंग है मेरी, एक मीटिंग है मेरी। तो उस मीटिंग में बेसिकली मीटिंग तो हो चुका था, दो तीन दिन पहले मैं मुंबई गया था, तो वहाँ मीटिंग तो हो गया था, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। बट पेमेंट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे लेने थे वहाँ से, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहा हूँ फिर से, और एक फ्रेंचाइजी ली है उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो वही आप आज जा रहा हूँ दोबारा मुंबई और डॉक्यूमेंट लेने। तो सो मेरा जो अगर मैं जो भी मैं व्लॉग्स डालूंगा उसमें कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट लाइक अगर कहीं मैं गया तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम, सारे टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग्स ऑब्वियसली मैं शूट करूँगा। ब्लॉग्स ट्राई कर रहा हूँ मैं कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, और अभी हेट लॉस जर्नी भी चल रही है वर्कआउट में, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी जो है मेरा वेट जो है 110 kg था ऑलमोस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए मुझे 1 month हो गए हैं। 110 kg से 105 kg पे आ गया हूँ, नेचुरली 5 kg मैंने लॉस किया है वेट। तो आपको दिखाएंगे गाइस सारी चीज़ें, और अभी तो मैं मुंबई चल रहा हूँ, 8:50 की फ़्लाइट है मेरी, और आज सेम डे रिटर्न भी है। आज बहुत हेक्टिक डे होने वाला है आज, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो नोएडा से निकला हूँ, अभी द्वारका पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 40 to 45 minutes, क्योंकि वहाँ से अपने फ्रेंड को पिक करूँगा, सो वो फिर मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा, फिर गाड़ी लेके फिर वो अपने पास आ जाएगा, फिर शाम को मुझे आके पिक कर लेगा। ट्राई करेंगे आप अच्छे से इंटरटेन करें, और आप भी अपना प्यार बनाए रखिएगा हम पे। चलिए मिलते हैं एयरपोर्ट पे। इसको बोलते हैं भाई VIP एंट्री, देख रहे हो सारे लोग लाइन में लगे हैं, हमारा भाई VIP एंट्री कर। हम यहाँ पहुँच गए हैं बोर्डिंग गेट पे, यहाँ से होगी स्टार्ट हमारी बोर्डिंग, 39B से हमारी बोर्डिंग होगी। और अभी टाइम जो रहा है वो हो रहा है 7:35 और 8:50 की फ़्लाइट है, बहुत टाइम है वे बीच में, आज जल्दी आ गया हूँ। जल्दी क्या, हमेशा एयरपोर्ट पे पहले आना चाहिए। सो गाइस, बोर्डिंग हो गई कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट पे, और फिर मिलेंगे हम मुंबई एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ मीटिंग करेंगे फटाफट, और फिर वहाँ से जल्दी निकलेंगे, और फिर क्योंकि शाम को 7 बजे की फ़्लाइट है मुंबई टू दिल्ली अगेन, तो चलते हैं फिर मुंबई, आपसे मिलता हूँ मैं। सो गाइस, फाइनली लैंडेड इन मुंबई, मुंबई लैंड कर चुके हैं, और ये है पीछे का व्यू मुंबई का। और अभी यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा, और बाहर से निकल के सीधे मैं अंधेरी वेस्ट, ये है मुंबई एयरपोर्ट का व्यू। जिसका बैग आना है वो बैग अपना कलेक्ट करेगा यहाँ से, फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। सो हम तो भाई आ गए अपने लोकेशन पे, यहीं पे ऑफिस, और हम चलते हैं अंदर।
भाई को भाई से निकल तुम्हारा सही। ये है भाई, ये है भाई एंट्रेंस। फर्स्ट फ्लोर के एसएस ऑफिस। अभी क्या हुआ था ना, जब मैं फ्लाइट से लैंड किया था तो मैंने ना इनको कॉल किया, जितने लोग कांटेक्ट में यहाँ पे मैंने कॉल किया, तो ना जो जो मेरा मेन कांटेक्ट पर्सन था ना उसको मैंने कॉल किया, तो ना उन्होंने कॉल नहीं पिक किया। एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तीन बार कॉल किया, जबकि मैं मंडे को आने वाला था यहाँ पे, बट किसी रीज़न से हमारा जो वहाँ पे जो बिजनेस है दिल्ली में उसका मेजरमेंट होना था, तो जिसकी वजह से ना मैं उस दिन ही आके, और कल तो ईद था, ईद था, और तो इसके वजह से इनका भी ऑफ था, तो मैं आ जाया। तो आते ही मैंने लैंड होते ही कॉल किया मैंने इनको कि, तो जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था वो उन्होंने कॉल नहीं पिक किया। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, तो भाई थोड़ा सा मन घबराया यार कि यार क्या सीन है, कहीं गलत जगह पैसे तो मैंने लगा दिए, जबकि मैंने हर जगह पूरा पता किया था जहाँ जहाँ ओपन है ना इनका, जहाँ जहाँ रनिंग में है, अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में, अमृतसर में, यूपी में भी कई सारे जगह हैं, ठीक है, हर जगह पता करा था, बिहार में भी पता करा था मैंने कि मतलब सही, तो सबने बताया था कि नहीं नहीं सही, हमने भी करा है हर चीज़। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ डन करा था सारी चीज़ें हर जगह से पता करके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैं उतने दूर से आ रहा हूँ आके मुंबई सिटी में, जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है, वहाँ पे आके इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है, और खासतौर से मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि पैसा पे करना होता है, मोटा पैसा पे करना होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो फिर मैंने वो कॉल नहीं पी के बाद, फिर मैंने एक और मैम है, सेकेंड कॉन्टैक्ट मेरे पास है, तो उनको मैंने कॉल किया मैम को, तो मैम का एक बार कॉल नहीं, मैम ने भी दो बार कॉल नहीं पिक किया, तो थोड़ा सा मैं फिर ऑर्डर है यार क्या सीन है। तो फिर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट वाले थे सबको मैंने कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा है कि क्या करना है, कि भाई वैसा ऐसा सीन है, तो बोला अरे नहीं नहीं तुम घबराओ मत, जो जिससे मेरी बात हुई थी बिहार में, यूपी में, अमृतसर वाले से, अरे गुरबा को मैं सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं होंगे। तब तक फिर मेरे पास एक और नंबर था, तो उनको भी मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कॉल पिक कर लिया, उन्होंने बोला कि आप सीधे ऑफिस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जैसे उनका कॉल डिसकनेक्ट हुआ था, तब मैम का कॉल आया कि एक्चुअली मैं ऑफ पे हूँ, मैं ना दिल्ली जा रही हूँ, तो आज किसी काम से, तो मैं ना आपका कॉल नहीं पिक कर पाई, तो मैंने अभी आपका कॉल देखा है, तो मैंने आपको रिटर्न बैक कॉल किया है, कि उन्होंने बताया कि साहिल जो है आज ऑफ पे है, ठीक है, कि नहीं, उन्होंने बोला कि मुझे ना, मैं पता करता हूँ, मैं पता करके बताती हूँ, ठीक है। मैं बोला कि साहिल कॉल नहीं पिक कर रहा है, तो उन्होंने बोला मैं पता कर, फिर उन्होंने बात की होगी, उन दो दो अलग नंबर जो उनका पर्सनल नंबर होगा, तो उनको कॉल किया होगा या मैसेज पे, जो भी रीज़न होगा, जो भी होगा, तो उन्होंने बताया कि शायद ऑफिस में नहीं है, तो ऑफ पे है वो, तो ऑफ में थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपसे ऑफिस चले जाओ सीधे, और ना जो भी हैं मैं बता, मैं बोल दे रही हूँ, और फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट शेयर करा जो यहाँ के हेड हैं उनका, तो फिर मेरी बात हुई, फिर यहाँ पे आया मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। इनका कहता अगर आप नहीं भी आते तो भी मैं, हम लोग कॉलेज के थ्रू कर देते, बट एक होता है ना यार कि एक अननोन प्लेस पे इतना बड़ा रिस्क लिया हमने, तो थोड़ा सा तो डर होता ही है, तो इसलिए मैं चला आया था कि क्या हो। चलो थैंक गॉड कि सब सही है, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ओपन होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, यूपी में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जल्दी ये सीनेप्लेक्स ओपन होगा, छोटू महाराज का सीनियर रेस्टोरेंट कैफे। तो होप अभी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करूँगा, सारी चीज़ें एग्रीमेंट होंगे हमारे, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। सो गाइस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हमारी मीटिंग हो गई कंप्लीट एंड डॉक्यूमेंटेशन भी सारा हो गया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, अब जाके वहाँ से अब कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो डी एम है उनसे अप्रूवल लेना है फॉर द कंस्ट्रक्शन, उसके बाद से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। मिलते हैं गाइस, क्योंकि बिकॉज़ अभी मेरी 7:45 की फ़्लाइट है, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए, फिर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, सी या। सो अपनी
एवरीथिंग डन करके हम आ गए एयरपोर्ट मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2। यहीं से हमारी फ्लाइट है। क्या खूबसूरत रात को तो हो रही और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। बोर्डिंग पास ले लिया मैंने, चलते हैं नीचे सिक्योरिटी चेक पे। तो वहाँ तो लंबा लाइन लगा होता है यार। इंडिगो के पायलट साहब, ट्रेनी पायलट, ट्रेनिंग है। सो गाइस, चेकिंग हो गया है कंप्लीट। अभी बोर्डिंग में टाइम है कम से कम 2 घंटे का, तो कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे, चलते हैं किसी लॉन्च में कुछ खाएंगे, फिर चलेंगे क्योंकि लगा है बहुत ही भूख। ओके गाइस, फिर मिलते हैं बोर्डिंग गेट पे। सिया जेट एयरवेज बेचारा बंद हो गया था, बट जल्दी कम बैक करेगा विथ फुल फॉर्म, पूरे फॉर्म के साथ मैं कम बैक करेगा जेट एयरवेज। हमारा हो गया बोर्डिंग, हम जा रहे हैं फ्लाइट पे, हम सीधे मिलेंगे दिल्ली। दिल्ली सुबह से भागा दौड़ी हो रही है, सुबह मुंबई गया, काम निपटाया, फिर शाम तक घर वापस। मिलते हैं गाइस। वे आउट, एग्जिट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में दिल्ली आ गया और हीरा एयरपोर्ट मेट्रो, यहाँ से मैं सेक्टर 21 जा रहा हूँ। और क्योंकि अभी रजनीश को मैंने कॉल किया, और रजनीश ने रडार पे देख लिया था, वो एक्चुअली वो सो गया था, तो फिर उसको सडनली उसकी नींद खुली, तो वो जगह तो देखा, फिर उसने रडार पे चेक किया फ्लाइट कहाँ, तो फ्लाइट मेरी अभी उदयपुर थी, फिर वो सो गया। फिर मैंने अभी उसको कॉल किया तो जगह है, तो बोल रहा है कि यार अब एक काम करो, आप सेक्टर 21 मेट्रो तक आ जाओ और मैं गाड़ी वहीं लेकर आ जा रहा हूँ। मैंने कहा चल भाई ठीक है, क्योंकि उसको भी आने में टाइम लगेगा, फिर मैं यहाँ वेट करूँगा, इट्स बेटर कि मैं सेक्टर 21 तक पहुँच जाऊँगा। चलो गाइस, फिर आपको सेक्टर 21 मिलते हैं, फिर से गाड़ी लेता हूँ, फिर घर जाऊँगा मैं। आज तो बहुत, आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और थक गया हूँ, क्योंकि पूरे दिन भाग गए भाग भाग। चलो भैया, हम पहुँच गए सेक्टर 21 पर, अभी रजनीश प्रताप सिंह जी आए नहीं, आ गया होगा, देखता हूँ बाहर निकल के, बोला है बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। मिलते हैं गाड़ी पे। रजनीश आ गया है और मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, और अब तो जा रहा हूँ, इसको ड्रॉप करूँगा फिर घर जाऊँगा। और यार एक चीज़ समझ नहीं आ रजनीश यार, ट्राई कर, चलो क्या यार फ्लाइट एक नंबर है भाई, विस्तारा सही थी। चलो यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यार जो भी त्रुटियाँ हो इस ब्लॉग में उसको क्षमा कीजिएगा दोस्तों, और तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।